अब हम लोग सीखेंगे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में, CWC, केमिकल्स केमिकल वेपन्स कन्वेंशन. यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिस्ट्रॉयड द लास्ट ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल, ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ वारफेयर. क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया लास्ट ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल. सो US ने केमिकल वेपन्स का स्टॉकपाइल रखा था, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि एक माइलस्टोन साबित हुआ है हिस्ट्री ऑफ वारफेयर में. द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एग्रीड इन प्रिंसिपल इन 1989 टू डिस्ट्रॉय देयर केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल्स, एंड लेटर द US रेटिफाइड द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इन 1997. तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, मतलब उस समय जो USSR हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने 1989 में क्या किया था, एक प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट किया था कि उन्होंने बोला था कि वे लोग अपना अपना केमिकल वेपन्स का जो स्टॉक पाइल्स है ना, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. और साथ ही साथ US ने इसको रेटिफाई कर दिया था, इस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को 1997 में रेटिफाई कर दिया था. CWC क्या है ये, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट टू प्रोवाइड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद इन अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम. तो CWC जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है ना, ये दुनिया का पहला मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट है, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि जितने भी एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन जिससे हो सकता है, वो लोग विद इन अ फिक्स पीरियड टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. तो सब मिलजुल करके आपस में ये डिसीजन लिए थे कि हम लोग मास डिस्ट्रक्शन जो जो वेपन से होता है, सब हम लोग आराम से उसको एलिमिनेट करते जाएंगे. इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW. OPCW का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेडक्वार्टर इन हेग नीदरलैंड्स. तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो OPCW है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेग नीदरलैंड्स में है. इसमें टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 193 स्टेट पार्टीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी ऑल्सो पार्ट है. और इसके सिग्नेटरीज़ कितने हैं, 165 सिग्नेटरीज़ हैं. मेंबर कितने हैं, 193 स्टेट पार्टीज़ हैं, जो कि इंडिया भी उसका पार्ट है. इस केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का इंडिया भी एक पार्ट है और 165 सिग्नेटरीज़ हैं. इसराइल हैज़ साइंड बट नॉट रेटिफाइड, इसराइल ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. 3 स्टेट्स दैट हैव नीदर साइंड नॉर रेटिफाइड, मतलब बाकी लोग ने साइन रेटिफाई कर दिया है, उसमें से इसराइल ने साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है. और 3 कंट्रीज़ ने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है, तो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान. इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान. तो इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान, ये 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को ना तो साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है. यूनिक फीचर ऑफ द कन्वेंशन, चैलेंज इंस्पेक्शन, वेयर बाई एनी स्टेट पार्टी इन डाउट अबाउट अनदर स्टेट पार्टीज़ कंप्लायंस कैन रिक्वेस्ट अ सरप्राइज इंस्पेक्शन. तो एक चैलेंज इंस्पेक्शन है, एक काफ़ी अच्छा एक यूनिक फीचर है. यदि अगर आपको लगता है कि आपको डाउट होता है, कि सपोज लगता है कि रशिया ने तो बोल दिया कि हाँ ठीक है चलो मैं साइन भी कर दूंगा, रेटिफाई भी कर दूंगा और मैं केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड ऑल ब्ला ब्ला. तो अगर सपोज इंडिया को लगता है कि नहीं रशिया कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इंडिया क्या करेगा ना, अचानक से पहुंच जाएगा वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए. तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन का, समझ में आए. तो ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिस्ट्रॉयड द लास्ट ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड केमिकल वेपन्स स्टॉकपाइल, ए माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ वारफेयर. The US and the Soviet Union agreed in principle in 1989 to destroy their chemical weapons stockpiles, and later the US ratified the Chemical Weapons Convention in 1997. It is the world's first multilateral disarmament agreement to provide for the elimination of an entire category of weapons of mass destruction within a fixed time frame. It is administered by the Organization of the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, headquartered in Hague, Netherlands. Member countries kitne hain, 193 state parties hain, jisme India is also a part, aur 165 signatories hain. Israel ne sign kar diya hai lekin ratify nahi kiya hai, aur 3 aise countries hain jinhone nahi sign kiya hai na ratify kiya. Kaun kaun se, Egypt, North Korea aur South Sudan.
यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन का कि इसमें चैलेंज इंस्पेक्शन है, वेयर बाय एनी स्टेट पार्टी, कोई भी स्टेट पार्टी है जिसको डाउट लगता है किसी अदर स्टेट पार्टी के कंप्लायंस के लिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।